इनका वैल्यू क्या है एस वन एस टू एस थ्री का वैल्यू क्या है वो पूछा है तो हम क्या करते हैं पहले समझते हैं ना क्वेश्चन क्या है, है से आर जो है वो हाफ है, है, है उसके बाद एस टू लेते हैं एस टू में ए जो है वो टू है और आर जो है वो वन बाई थ्री है फिर एक और लेते हैं एस थ्री इज इक्वल टू ए जो है वो थ्री है और आर है वो वन बाई फोर है ये by 2, by 3, by ऐसे उनका देने का मतलब है अब एस वन क्या बोल रहे हैं इट इज अ सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज तो S1 का वैल्यू क्या होगा ए फॉर्मूला लिख दू ए अपॉन वन माइनस आर विच इज ए अपॉन वन माइनस हाफ और ए का वैल्यू क्या था ए का वैल्यू वन है ना इधर ए वन है तो वन अपॉन वन माइनस हाफ तो मतलब टू आ जाएगा भाई इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो एस टू देखते हैं एस टू क्या मिल रहा है आपको तो टू अपॉन वन माइनस वन अपॉन थ्री तो ये हो गया टू अपॉन टू अपॉन थ्री यानी कि इसका आंसर हो गया थ्री फिर एस थ्री देखते हैं एस थ्री क्या है थ्री अपॉन वन माइनस वन अपॉन फोर सो दिस इज थ्री अपॉन थ्री अपॉन फोर एंड दैट विल गिव यू फोर तो इफेक्टिवली ढूंढना क्या है भाई ढूंढना है एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री अपू एस एन तो आपका एस वन तो आ गया टू एस टू आ गया थ्री एस थ्री आ गया फोर ऐसे आते जाएगा ना अप टू तो कितने टर्म्स पूछा है अप टू एंड टर्म्स पूछा है ठीक है थोड़ा सा इरेज करके जगह बना लेता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं ओके इरेज करने के पहले एक चीज रह गया ये हमारा फर्स्ट टर्म है ना अब फर्स्ट टर्म का आंसर टू है सेकेंड टर्म का आंसर थ्री है तो वैसे लास्ट टर्म एन नहीं होगा एन प्लस वन होगा एक ज्यादा है फ्रॉम द टर्म ओके सो लास्ट टर्म एन प्लस वन एंड नॉट एन तो अभी हमें फाइंड करना है सम जिसमें पहला टर्म है टू दूसरा टर्म है थ्री तीसरा है फोर और लास्ट टर्म है आपका एन प्लस वन लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है तो अभी ये तो एपी है भाई तो so, एपी का फॉर्मूला क्या है एन अपॉन टू और एन क्या है आपका एन प्लस वन है एन अपॉन टू ए प्लस एल ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म टू है और लास्ट टर्म है आपका एन प्लस वन तो एन प्लस वन इधर एक मिस्टेक हो रहा है आई थिंक नंबर ऑफ टर्म्स तो एन है एक मिनट हाँ जरा मेरे को रिकेप करने दो समझा क्या मिस्टेक हुआ देखो इधर नंबर ऑफ टर्म्स ये लास्ट टर्म का वैल्यू एन प्लस वन है आई विल रिपीट लास्ट टर्म का वैल्यू एन प्लस वन है नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है तो ये मैंने गलती कर दिया इधर इधर मुझे क्या लिखना था एन अपॉन टू लिखना था तो एन अपॉन और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा एन सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट आंसर ओके एक और बार रिपीट कर देता हूं ये टू प्लस थ्री प्लस फोर लास्ट हमने एन प्लस वन क्यों लिखा एन प्लस वन टर्म्स नहीं है लास्ट टर्म इज एन प्लस वन ओके सो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो तो एन ही है